हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए गाइस, आज मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 बैंगन ले रखे हैं और 4 से 5 हरी मिर्च लिए मैंने, और ये इतने लहसुन लिए मैंने, और कुछ कटे हुए लहसुन है मुझे तड़का लगाने के लिए भरते को, और ये थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच जीरा ले रखा है, और ये कटा हुआ धनिया। तो देखिए गाइस, ये बैंगन के भरते की सामग्री है और अब हम बैंगन के भरते को बनाएंगे। सो गाइस, देखिए अब मुझे इसमें कट लगाना है, 4 से 5 कट बैंगन में लगाना है मुझे गाइस, और इस कट में मुझे लहसुन लगाना है। बैंगन में लहसुन लगाने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है गाइस, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और इसके साथ लहसुन भी भून जाते हैं, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है गाइस। देखिए गाइस, मैंने बैंगन में लहसुन लगा दिए हैं बहुत अच्छे से, और अब इसको मैं भूंजूंगी। वैसे तो गाइस चूल्हे में बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आता है, भूंजी बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन आज मैं इसको गैस में ही भूंजूंगी। देखिए गाइस, बैंगन अच्छे से भूंज रहे हैं, ये देखिए। इस तरह हमको अलट पलट करते रहना है इसको, ताकि बैगन अच्छी तरह से भून जाए। देखिए गाइस, आप भी बनाइएगा बैगन का भरता, और ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपके भरते कैसे बने बैगन का। देखिए गाइस, इसी तरह इसको उल्टा पलटा कर भूनना है हमें। देखिए गाइस, ये मेरे बैगन बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये देखिए। अब इसे हमें क्या करना है कि पानी में इसको थोड़े टाइम के लिए डाल देना है, ये देखिए गाइस, थोड़े टाइम के लिए हमें इसे पानी में डाल देना है, और डालने के बाद थोड़ा टाइम इसको रखना है इसमें, फिर इसके ऊपर के छिलके हमें निकाल लेने हैं, और फिर इसे हमें मिक्सी या सिल में पीस लेना है। बट मैं तो इसको सिल में ही पीसने वाली हूँ, क्योंकि गाइस सिल में जो टेस्ट है वो मिक्सी में का, हाँ, इसलिए मैं इसको सिल में पीसूंगी गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये मैंने एकदम साफ़ कर दिए हैं छिलके, और अब इसे मैं पीसने के लिए जा रही हूँ, वो भी सिल में, ठीक गाइस। देखिए गाइस, मुझे पीसने से पहले ये जो लहसुन मैंने निकाला था अलग से, तो ये इसी मुझे डाल देने हैं, ये देखिए। और ये जो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली थी, वो भी इसमें मुझे साथ में ही पीस लेना है, ये सारी चीज़ें मैं साथ में पीस लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें तड़का लगा। देखिए गाइस, मैंने बैंगन के भरते को बढ़िया से पीस लिया है, और अब है बारी इसे फ्राई करने की, यानी तड़का लगाने की। इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए गाइस, इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है, गोल चम्मच में, और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें अब मैं लहसुन डाल दूँ। देखिए गाइस, लहसुन को हमें थोड़ा देर होने देना है, जब तक लहसुन गुलाबी नहीं हो जाता। देखिए गाइस, हमारा लहसुन बढ़िया से गुलाबी हो गया है, और अब इसमें हमें जो हमने थोड़ा सा जीरा लिया था, इसमें थोड़ा सा हमें जीरा डाल देना है, और फिर इसमें हमें हमारा पिसा हुआ बैंगन का जो भरता है वो इसमें हमें। देखिए गाइस, मैंने पिसे हुए भरते को इस तेल में डाल दिया है, ये देखिए, और इस बारी इसमें नमक डालने की गाइस। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार ही इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, ये मैंने इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि ये भूनने के बाद थोड़ा ही रह जा हो जाता है सूख कर, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया नमक, और इसे मुझे थोड़ी देर तक भूनते ही रहना है। इसी तरह थोड़ी देर तक मुझे चलाते रहना है।
देखिए गाइस, भरता बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मैं तेल भी छूट चुका है और एकदम हरा हरा भरता बना है। देखिए ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना अच्छा भरता बना हुआ है। और गाइस आप लोग भी ये भरता बनाएं, ज़रूर ट्राई करें इसे बनाना। और ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।